अज़ीस मोमन खुशपुर से ज़बारिया कंज़ा का आप सबको सलाम 11 जनवरी बुध का दिन हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मरकस की अंजील उसका पहला बाब उनतीसवीं आयत से लेकर उनतालीसवीं आयत तक और वो फौरन इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए और शमाउन की सास तप से पड़ी थी और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसकी तप उसी दम उतर गई और वो उनकी ख़िदमत करने लगी शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब जदों को उसके पास लाए और सारा शहर दरवाज़े पर जमा हो गया उसने बतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुबला थे और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया इसलिए कि वो उसे पहचानती थी और अलीअल सबा पो फटने से पहले वो उठकर निकला और एक वैरान जगह में गया और वहाँ दुआ की और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं और उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ क्योंकि मैं इसी लिए आया हूँ और वो तमाम जलील में उनके इबादत ख़ानों में जा जा कर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा पाक इंजील के वसीले से हम सबकी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ ऐमसी तेरेत हो आमीन बाप और बेटे और कुद्स के नाम में आमीन खुदाद यसु मसीह का फजल और सलामती आप सब समीन के साथ हो खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को बांटने के लिए आप सब की ख़िदमत में हाजिर है अज़ीज़ मोमन आज की पहली तिलावत अब्रानियों की कलसिया के नाम खत के दूसरे बाब की चौदहवीं से अठारहवीं आयत तक है उनके लिए तसली जो अच्छा आगाज करते हैं उस पर कायम रहते और आखिर तक कायम रहते हैं यसु मसीह अपने लोगों की कायम रहने में मदद करता है जिस रूह में मसीही खुदा की राहों पर चलना शुरू करते हैं चाहिए कि आखिर तक उसी रू को कायम रखें बहुत से हैं जो शुरू में दलेरी दिखाते हैं मगर आखिर तक उन पर मज़बूती से कायम नहीं रहते मुसनफ़ इस बात को अयाँ करता है कि जिन्होंने ख़ुदा की आवाज़ सुनी उनमें बाज़ ने खुदा को गुस्सा दिलाया मगर सब ने गुस्सा नहीं दिलाया था ख़ुदा एक बकिया रखेगा जो उसकी आवाज़ का फरमंबरदार होगा खुदा उन लोगों से ना ख़ुश होता है जो गुनाह करते हैं और करते ही रहते हैं गुनाह इंसान को मुजरम ठहराता है ये गुनाह हमारे लिए आसमान के दरवाज़े बंद कर देता है अजीज मोमन आज की पाक इंजील मुक़दस मरकस के मुताबिक इंजील के पहले बाब की उनतीसवीं आयत से उनतालीसवीं आयत तक है इस इकतबास में ख़ास तौर पर पतरस की सास को शिफा देने के मोज़ा का जिक्र है नीज़ बहुत से लोगों को शिफा देने का बयान भी है यसु मसीह इबादत खाने से निकलकर पतरस और इंद्रियास के घर आया पतरस की सास तप से बड़ी थी यसु मसीह ने उसे शिफा दी यसु मसी जहाँ आता है भलाई करने के लिए आता है जो यसु मसी को कबूल करते हैं वो उन्हें दिल खोल कर अजर देता है जिस हाथ ने उस औरत को शिफा दी उसी हाथ ने उसे ताकत दी और वो उनकी ख़िदमत करने लगी शिफा काम करने के काबल बनाती है खुदावद यसु मसीह ने बहुत से लोगों को बीमारियों से शिफा दी और बदरुओं को निकाला ये मुज़े सबत की शाम को जब सूरज डूब गया किए गए शायद बहुत लोग सबत की वजह से ना आए और बीमारों को ना लाए और सूरज डूबने का इंतज़ार करते रहे क्योंकि वो समझते थे कि सबत को ये काम करना भी रवा नहीं बीमारों की तादाद क्या थी सारा शहर दरवाज़े पर जमा हो गया जैसे बेकारी खरात के लिए जमा हो जाते हैं खुदाउद यीशु मसीह आला तबीब है उसने सब को शिफा दी यसु मसीह ने किसी ख़ास बीमारी से शिफा देने का काम नहीं किया बल्कि तरह तरह की बीमारियों से शिफा दी उसने बहुत सी बदरुओं को निकाला और बदरुओं को बोलने ना दिया खुदामद यसु मसीह ने पाओ फटने से पहले वीरान जगह में जाकर दुआ की वो अपने बाप से तन्हाई में मिलने का वक्त निकाल लेता था हमारे दिन का बुलंद तरीन लम्हा पाओ फटने से पहले का वक्त है हमें भी दिन निकलने से पहले दुआ करनी चाहिए उस वक्त हमारी रूहें ताज़ा और शगुफ्ता होती हैं ये खुदा की इबादत गुज़ारी के लिए बेहतरीन वक्त है यसु मसीह वीरान जगह में गया पोशीदगी की दुआ पोशीदगी ही में होनी चाहिए ईमानदारों के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा से तन्हाई में मुलाकात के लिए वक्त निकालें शमाउन और उसके साथी यसु मसीह के पीछे गए और उससे कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं वो चाहते थे कि यसु मसीह लोगों के दरमियान आए उसी जगह रहे क्योंकि वो उनका अपना शहर था मगर उसने कहा नहीं आओ हम और कहीं आस पास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ क्योंकि मैं इसी लिए आया हूँ वो तमाम गलील में उनके इबादत ख़ानों में जा जा कर मुनादी करता रहा और अपनी तालीम की तस्दीक की खातर बदरुओं को निकालता रहा अजीज मोमन आए खुदा से दुआ मांगें कि वो हमें ये फ़ल्ल बख्शे कि हम यसुमसी के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत बनाए नेकी और पाकिजगी की ज़िंदगी बसर करें बीमारों की अयादत करें उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें ख़िदमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहें दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। और बशारती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें मसीह खुदावंत के वसीले से आमीन आप सबको नए साल 2023 की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों